क्या आप भी गाइज अपनी खोई हुई गेस्ट अकाउंट को वापस लाना चाहते हो? सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारी समेजिंग से वीडियो में। तो गाइज यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडेड टॉपिक माय मीन गाइज यार, गेस्ट अकाउंट को कैसे रिकवर किया जाए। एंड गाइज यार, इसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने काफी बार मुझे कमेंट कर रखा है कि भाई एक ऐसा वीडियो लेके आओ जिसमें कि हमें बताओ शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस कि कैसे हम लोग खोए हुए गेस्ट अकाउंट को कैसे वापस ला सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है। एंड गाइस यार, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यार यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इसको ला सकते हो वापस। एंड उसी के साथ साथ गाइज, आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने अपने गेस्ट अकाउंट को, माई मीन गाइज, अगर बाय द वे फ्यूचर में कभी आप गेस्ट अकाउंट क्रिएट करते हो तो लाइफ टाइम के लिए कैसे इसको सिक्योर कर सकते हो, आपके गेम डिलीट करने के बाद भी वही वाले आईडी ओपन होगी। चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। सो गाइज, तो यहाँ पे काफी ज्यादा केसेस हो सकते हैं, तो गाइज ये सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। एंड गाइज, जो हमारा पहला जो स्टेप है जिसमें कि गाइज मैं आप लोग ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे आप लोग को कंप्लेन रजिस्टर करना है, रिक्वेस्ट सबमिट करना है गरेना को रिगार्डिंग गाइज आप लोग का जो आईडी लॉस्ट हुआ है गेस्ट अकाउंट, उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो शुरू से पूरा लास्ट तक का प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आप लोग को लेके चलते हैं अपने मोबाइल डिवाइस स्क्रीन की ओर। सो गाइस, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यार इस वाले वेबसाइट पे आपको आ जाना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो गाइस गरेना का ये ऑफिशियल साइट है। एंड जैसा कि यार मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग इसको ऑफिशियली इसको पूरा मेल करके रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो आपके गेस्ट अकाउंट के रिगार्डिंग, आपका जो भी गेस्ट अकाउंट लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आप लोग को जो यहाँ पे चार ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो यार, आपका जो गेस्ट अकाउंट का जो प्रॉब्लम है होता है वो अकाउंट उसी इशू के अंदर आता है। ठीक है, अकाउंट इशू से आपका कोई रिलेटेड टॉपिक है तो गाइस अकाउंट इशू पे आपको क्लिक करना है। सो गाइस, तो देखो अकाउंट इशू जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा आ जाएगा। एंड यहाँ पे लॉस्ट गेस्ट अकाउंट पे आप लोग क्लिक करना। एंड यहाँ पे गाइस जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज लोड हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखा हुआ है कि आप लोग क्या क्या गलती करते हो जिसके कारण ये गेस्ट अकाउंट लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिक्वेस्ट सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमें गाइस ये आर्टिकल हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। ओके सो गाइस, तो यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे गूगल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग सिंपली गाइस आप लोग का ये, क्योंकि देखो आपको गेस्ट अकाउंट था तो यहाँ पे आप लोग किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हो। सो गाइस, तो लॉगिन होने के बाद आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एंड गाइस जैसे आप लोग नो पे क्लिक करोगे, सो गाइस, तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस सबमिट ए रिक्वेस्ट का एक पॉपअप आ जाएगा, मतलब न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग का अपना कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया। एंड इंडिया सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे जो यहाँ पे फ्री फायर प्लेयर आई डी आ रहा है तो यहाँ पे गाइस आप लोग को अपने गेस्ट अकाउंट का आई डी देना है। एंड गाइस अगर आप लोग को नहीं पता चलता, क्योंकि यार देखो जो लोग गेस्ट अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा खेलते थे एंड जिनका आई डी गुम हुआ है तो गाइस ये वो लोग किसी ना किसी को रिक्वेस्ट तो भेजा ही होंगे। एंड या फिर गाइज आप लोग कस्टम खेलते थे तो किसी ना किसी के फ्रेंड को तो आपने रिक्वेस्ट भेजा ही होगा खेलने के लिए। तो गाइज उसके प्रोफाइल में जाके, मतलब उसके फ्रेंड लिस्ट में जाके अपना आपका जो भी आईडी था तो वहाँ से गाइज आप लोग को उसको कॉपी कर लेना है। एंड आपका एक स्क्रीनशॉट उसका ले लेना है, बस ये दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा गाइज इसको रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे गाइज आप लोग का उस प्लेयर का यूआईडी लिख देना है, जो भी रहेगा आप लोग यहाँ पे लिख देना। एंड इन गेम जो भी नाम रहेगा वहाँ से गाइज आप लोग उसको लिख देना। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ पे लिखना नहीं आता है, मान लो कोई स्टाइलिश नेम होगा तो वहाँ पे गाइज आप लोग कोडा शॉप या फिर गरेना गेम खरीदो पे जाके वहाँ से कॉपी करके लिख सकते हो। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग को यहाँ पे टाइप ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, तो पेमेंट इशू तो नहीं है गाइज, हमारा गेम कंसर्न का है। तो यहाँ पे करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे गाइज डिस्क्रिप्शन में बस अपने आईडी, जो भी आपका आईडी था गेस्ट अकाउंट, उसके बारे में आप लोग पूरा पूरा ब्यौरा दे देना, यहाँ पे पूरा समझा देना कि हमारा आईडी इतने लेवल का था, कितने दिन पहले ऐसा हुआ एंड लास्ट लॉगिन आपने कब किया था, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यार ये सब करने के बाद ही जब गरेना आपके आईडी को ऑप्टिमाइज़ करेगी, मतलब उसे एनालाइज करेगी, तभी आपके लिए वो देगी। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइज आप लोग एड एक जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था अपने जो भी गेस्ट अकाउंट का, तो यहाँ पे गाइज आप लोग फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट अटैच कर देना। अटैच करने के बाद गाइज आप लोग को सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सो गाइज आप लोग जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे गाइज आप लोग का सबमिटेड आ जाएगा लिख के।
सो गाइस तो इसको सबमिट करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली गैरेना के द्वारा 7 डेज के अंदर एक मेल रिसीव होगा एंड वहां पे गाइस आप लोग के आईडीज को एनालाइज करेगा एंड उसके बाद आप लोग को एक लिंक देगा एंड लिंक देने के बाद गाइस उस लिंक के जरिए आप जब आपका फ्री फायर खुलेगा तो वहां पे डायरेक्ट आपका गेस्ट अकाउंट खुलेगा एंड गाइस जैसे ही आपका गेस्ट अकाउंट खुलेगा आप लोग तुरंत उसको बाइंड कर लेना एंड गाइस इस प्रकार से आप लोग अपना गेस्ट अकाउंट को सेव कर पाओगे। सो गाइस तो यार उसके लिए आपको आ जाना होगा अपने फाइल मैनेजर पे एंड गाइस फाइल मैनेजर पे आने के बाद आप लोग को जो यहाँ पे scom.garena.msdk जो फाइल जो मिल रहा है गाइस आप लोग को ये वाला फाइल दिख रहा होगा इसके अंदर गाइस आप लोग का गेस्ट अकाउंट रहता है। जो भी गाइस ये गेस्ट अकाउंट आप लोग क्रिएट करते हो अपने फोन पे तो ये गाइस यहाँ पे स्टोर रहता है। तो आप लोग सिंपली क्या करना होगा गाइस इस वाले फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेना होगा एंड कॉपी करने के बाद गाइस आप लोग का कोई भी जो सेफ लोकेशन है अच्छे जगह पे जाके इसको पेस्ट कर लेना ताकि यार इन फ्यूचर अगर कभी भी आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा गाइस गलती से भी अगर आपका गेस्ट अकाउंट डिलीट हो जाता है तो गाइस इसके जरिए आप लोग ये वाला फाइल जब यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका यहीं से आपका गेम स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल गाइज तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो गाइज यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो गाइज इसको सफल करने के लिए इसको लाइक जरूर करना एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए गाइज तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, गुड बाय। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है कि कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहेब बदलता जरूर है।